want to watch? इस सब के बाद तो मोनिका आपसे और इम्प्रेस हो जाएगी। अरे बेवकूफ, ये सब तो ट्रेलर है। मैंने मोनिका के लिए एक स्पेशल चीज मंगाई है। अब देख आगे आगे क्या होता है। ये मैंने स्पेशली मोनिका के लिए बनवाई है। मैं उसे अभी देख आया था। मंटू बॉस। ओह सॉरी। अरे मोनिका, इट्स यू। आई नो। डोंट वरी मोनिका, तुम्हारे फेस पे आइसक्रीम लगने की वजह से तुम्हारा फेस और कूल हो गया है ना दोस्तों। मैं कुछ करता हूँ, मैं अभी पहुँचता हूँ। मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मोंटू, ये रुमाल मोनिका का मुंह साफ करने के लिए। मोंटू, ये ले रुमाल, इससे मोनिका का चेहरा साफ कर ले। हाँ, अभी करता हूँ। मोंटू बॉस, मोनिका आपसे इम्प्रेस तो नहीं हुई, लेकिन अब डिप्रेस जरूर हो गए। आगे सेलिंग करने में खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें यॉट यहीं से मोड़नी होगी। हेलो, समंदर में अचानक से खतरा बढ़ गया है। ऑल बोट्स रिटर्न टू शोर। रिपीट, सभी बोट्स शोर पे वापस आ जाएं। ओह माय गॉड,
ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, भागो। अरे भागो। अरे ये कैसा वेदर है, ऐसा वेदर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। वंडरफुल पार्टी, डिफरेंट क्वालिटी पर इतनी भी डिफरेंट है। वंडरफुल, मैंने तो जबरदस्त पार्टी का प्लान किया था, पर पता नहीं अब तो लग रहा है ये पार्टी जबरदस्ती हो गई है। जल्दी से बच्चों को नीचे लोअर डेक पर लेकर जाओ और इन्हें लाइफ जैकेट पहनने के लिए दिया। कम ऑन फास्ट। पर बच्चे किसी मुसीबत में, मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा। हम आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। आप क्या कह रही है रानी परी? हाँ बच्चों को कुछ हो गया तो? बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सबके पीछे गुरुदेव की कोई चाल हो, हमें इस तहखाने से बाहर निकाल। हाँ बालवीर, हो सकता है कि पृथ्वीलोक के बच्चे खतरे में ना हो और गुरुदेव अपनी जादुई शक्ति से हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम सच का पता कैसे लगाए माँ, क्योंकि हमारा ये जादुई कुंड भी काम नहीं कर रहा है। रानी परी, मुझे बच्चों की आवाज से लग रहा है कि बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा। रानी परी, मुझे जाने दीजिए। बालवीर, हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना किसी युक्ति के हम आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप, हम सब किसी बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हैं। कितनी बार कहा कि इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये स्विच ठीक करा, लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे शौक लगता है वो। बाबूजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पूरे घर में सिर्फ आप ही को शौक क्यों लगता है? क्योंकि मुझे शौक खिलाने का शौक है। क्या बाबूजी? बाबूजी, उस स्विच को कुछ नहीं हुआ है, वो परफेक्ट है। देखना, अब मैं उसे छूंगा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखना, देख ये, ये देखा, ये क्या बेटा? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे शहर में शॉर्ट सर्किट हो रही है। हाँ हाँ जीजा जी, बाहर अचानक से वो बदल गया है। क्या? अरे वो जिसे हम बाहर जाके कहते हैं ना, कितना बढ़िया है वो चाट का ठेला। अरे नहीं, अरे जो साल में चार बार बदलता है वो। तो बाबूजी का कुर्ता। बाबूजी, आप साल में चार बार नए कुर्ते खरीदते है ना, इसलिए बोला। साल में चार बार
मौसम? हाँ मौसम, पहले क्यों नहीं बताया? Exactly. अरे बाहर एकदम अचानक से मौसम बदल गया है, चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं और लगता है तूफानी बारिश होगी। लेकिन हमारे बच्चे तो समंदर के बीचों बीच यॉट पे पार्टी कर रहे हैं ना? वही तो, मुझे बच्चों की चिंता हो रही है। क्या हुआ? बापू जी, ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है, कह रहे कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और समंदर से तो दूर ही रहे, क्योंकि तो समंदर के पानी का स्तर बढ़ रहा है। हमारे बच्चे तो अभी बीच समंदर में होंगे, उनका क्या होगा? तोड़ दो।
रेडी? हाँ बॉस, कम ऑन। नहीं रुक सकते वरना बाहर का सारा पानी अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये समय डरने का नहीं हिम्मत दिखाने का है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस योर से निकलने की कोशिश करनी होगी। ऊपर जाते ही पानी में जंप मार देना, ठीक है?